हमीरपुर जिला के थाना क्षेत्र नादौन के तहत धनेटा क्षेत्र की एक युवती ने युवक पर बलात्कार करने तथा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। मामले में नादौन पुलिस ने धारा 376, 504, 506 एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी युवक को पकड़कर गहनता से छानबीन शुरू कर दी है। हमीरपुर जिला के थाना क्षेत्र नादौन के तहत धनेटा क्षेत्र की एक युवती ने युवक पर बलात्कार तथा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। मामले में नादौन पुलिस ने धारा 376, 504, 506 एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी युवक को पकड़कर गहनता से छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अपनी माता के साथ नादौन थाना पहुंची युवती ने दी शिकायत में कहा है कि यह मामला कुछ समय पूर्व का है, परंतु युवक काफी दिनों से वीडियो को नेट पर डालने को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। लड़की ने बताया कि हद तो तब हो गई जब मेरे परिजनों को भी परेशान करना आरंभ कर दिया। आपको बता दें कि युवती क्षेत्र के ही एक शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान वे अपनी एक सहेली के साथ उसके घर गई थी, जहां सहेली के भाई के माध्यम से बड़ा क्षेत्र के एक युवक के साथ जान पहचान हो गई। उसके बाद दोनों में बातचीत भी होती रही। एक दिन आरोपी युवक ने मंदिर में माथा टेकने के लिए दबाव बनाया। हामी भरने पर जब लड़की घर से मंदिर के लिए निकली तो रास्ते से ही वे जबरदस्ती एक शहर के होटल में ले गया, जहां आरोपी ने दुष्कर्म किया। इसी दौरान आरोपी ने उसका एक वीडियो भी बना लिया, जिसे लेकर वे बार बार उसे ब्लैकमेल करता रहा। डर के मारे उसने ये बात अपने परिजनों को नहीं बताई, परंतु अब वह धमकियां देने पर उतारू हो चुका है तथा उसके परिजनों को भी ब्लैकमेल करने की धमकियां दे रहा है। डीएसपी हमीरपुर हितेश लखनपाल ने बताया कि नादौन में एक युवती की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है और मामले को लेकर पुलिस जाँच कर रही है और लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है। मामले में नादौन पुलिस ने धारा 376, 504 एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी लड़के को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। जो है 376, 504, 506 में एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें कि लड़की ने बोला है कि लड़के ने उसकी वीडियो जो बनाई है और उसको बाद में वायरल करने के लिए धमकी दी और गलत काम करता रहा। पुलिस ने लड़की का जो है मेडिकल कराया है, आज उसका 164 का बयान होना है। साथ ही में जो लड़के को जो है डिटेन कर लिया गया है, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन जारी। कार्यक्रम में वक्त तो चला है, छोटे ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।